हेलो दोस्तों, ये है आई फ्लश वाल्व। इसका दो पार्ट होता है और इस बॉक्स में है फ्लश वाल्व जो कंसील के अंदर जाएगी। और देखिए, हम खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। पहले एक गाइड है, ये है फ्लश वाल्व। इसका व्हाइट पार्ट और ब्लैक पार्ट है। व्हाइट पार्ट कॉन्सील पार्ट है और ब्लैक वाले है प्रोटेक्टिव कवर पार्ट। तो दो स्क्रू खोल के दिखाते हैं इसके अंदर है क्या। देखिए, खोल चुका है स्क्रू। इसका अंदर क्या है, ये है आई फ्लश वाल्व। और ये दो पाइप है नीला वाले, ये पीयू पाइप है, ये प्लेट के साथ कनेक्ट होगी। जो फेस प्लेट है उसके साथ कनेक्ट होगी। और ये है आउटलेट वाले हिस्से पे लगते हैं। इसका ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, इसका नाम क्या है। इसमें लगेगी पीछे वाला हिस्सा और ये इनलेट वाला हिस्सा है। इनलेट वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा और ये आउटलेट वाला हिस्सा है। इसका क्या नाम है मुझे पता नहीं। देखिए इसका क्या पार्ट है, इसमें दो साइड भी कटा हुआ है। साइड भी कटा हुआ, ये है मेरा दूसरे पार्ट। ये प्लेट है और इसके प्राइस भी यहाँ पर दिया हुआ है 2150 रुपीस मैक्सिमम रेट प्राइस। देखिए प्लेट है और इसके अंदर भी गाइड, एक चाबी है और एक टी के है, टी टाइप का एलन की है। देखिए हमारा प्लेट कितना साइन है, इसमें साइनिंग कितना ज़्यादा है। देखिए मेरा फेस भी आ गया और मोबाइल भी। तो ये पीछे वाला हिस्सा, इसमें दो जो पी यू पाइप है उसमें कनेक्ट होगी। पी यू पाइप में मार्किंग किया हुआ है ए और बी, इस टाइप से कनेक्ट होगी और ऐसे बैठेगी। देखिए ऐसे रहेगी। पी यू पाइप में ए और बी दो मार्क किया हुआ है, ऐसे ही कनेक्ट होगी। ए में ए में, बी में बी। ये प्रोटेक्टिव कवर है और इसमें प्रोटेक्टिव कवर और इसमें देखिए, इसमें लेवल भी दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। टाइल्स के जो सरफेस होगा उसका फिनिश लेवल कितना होगा वो दिया हुआ है। ये ध्यान देने की बात है, ये लेवल ठीक तरह से करना चाहिए। लेवल में कुछ दिक्कत ही आ जाए तो ये प्लेट नहीं लगेगी। प्लेट लगाने में दिक्कत आता है, लेवल में दिक्कत आने से प्लेट लगाने में। ये प्लस आई प्लस वाल्व की कॉन्सील हमने पहले ही काट के रखा। तभी देखिए हम कैसे आई प्लस वाल्व फिट कर रही हूँ। थोड़ा सा स्पीड मेरा वीडियो का बड़ा दिया हूँ। ये एक पाइप थेट करके, ये 32 mm का आई फ्लश वाल्व है और इसे भी टेप्लम लगा दिया। और मैं यहाँ पर जीआई सर्किट लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो
बॉडी का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें एफटीए अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए मैं जीआई सॉकेट का यूज़ किया है। इसके अंदर जो एफटीए है, पीवीसी का जो ब्रास एफटीए है, वो इसका अंदर नहीं घुस रहा है, इसलिए मैं जीआई सॉकेट का यूज़ किया है। तो दूसरा कोई तरीका आप लोगों का पास है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसके बाद एक वॉशर है, मैं इसे लगा रहा हूँ, फिर इसका मेजरमेंट करेंगे। देखिए लग चुका है, अभी थोड़ा सा टाइट दिया है, बाद में इसको टाइट होगी पाइप लगाने के बाद। जो ये मेरा मेजरमेंट है, बैठ चुका है आई प्लस वाल्व, देखिए बैठ चुका है। फिर हम इसकी मेजरमेंट लेंगे, देखिए ये है मेजरमेंट। फ्लोर से मेरा जो टॉप लेवल होगा वो 18 इंच रहेगा और जो नीचे वाला लेवल है वो 16 इंच रहेगा, और मिडिल वाला जो मिडिल होगा, जो मिडिल है बैंड का जो मिडिल होगा वो 17 इंच रहेगा, क्योंकि फ्लोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो टाइल्स का मिस्त्री है उसने बताया मुझे कि उसका फ्लोर दो इंच तक उठ सकता है, इसलिए हम लोग 2 इंच ज़्यादा लिया है ऊपर का हिस्सा, और मिडिल का हिस्सा 15 इंच में ही सही रहता है, जो नीचे वाला एंड है 15 इंच में ही सही रहता है, इसलिए हम जो टाइल्स मिस्त्री है उसने बताया 2 इंच तक उठ सकता है, इसलिए हम 2 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब मेरा टाइल्स कंप्लीट हो जाएगा तब मेरा जो मेजरमेंट है वो सही तरह से सही हो जाएगी, मेजरमेंट सही से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम जीआई डाई से यूपीवीसी पाइप को थेट बना रहा हूँ, इसके बाद इसे टेप्लन लगा के सॉकेट में लगा दूंगी, और देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ मैं यूपीवीसी एल्बो लिया था, यूपीवीसी एल्बो से मेजरमेंट लिया था, ये नहीं लगा रहा हूँ, ये जीआई का एल्बो लगा रहा हूँ, क्योंकि वो एल्बो कभी कभी क्रैक हो जाता है, जब कमर का प्रेशर होता है तो कभी कभी देखा है क्रैक हो जाता है, और यह भी एक एल्बो क्रैक हो चुका है पहले, वो हम आप लोगों को दिखा नहीं पाया, एक एल्बो क्रैक हो चुका है जब सॉल्वेंट सीमेंट से लगाने के बाद ही क्रैक हो चुका है 32। mm का यह 100 इंच का पाइप है, और यह पैर जो जीआई सॉकेट लगाया उसमें लगाएंगे आई प्लस वाल्व को। ये जो जीआई सॉकेट है इसमें हम फिर से खुल के, मेजरमेंट हो चुका है इसलिए फिर से खुल के ये जीआई सॉकेट को हम टाइट दे देंगे। यहाँ पर जीआई सॉकेट लगाना ही बेहतर रहेगा थोड़ा सा थेट करके, इससे क्या होगा टूटने का कोई संभावना नहीं है,
फिट हो चुका है। अभी इस पार्ट को प्लस आई फ्लश वाल्व के साथ हम टाइट लगाएंगे ठीक तरह से, और एक बॉक्स प्लस पैना से इसे टाइट लगाएंगे। ये जो बॉक्स प्लस पैना है इससे कस देंगे। हो चुका है, इसमें जो रबर का वॉशर है इसलिए ज़्यादा टाइट की ज़रूरत नहीं होता है, जितना देना चाहिए उतना ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी ऊपर वाला हिस्सा में UPVC एलबी हम लगा रहा है, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं आएगी। जब मसला से जाम हो जाएगी, सीमेंट बाली मसला से जब जाम हो जाएगी ठीक तरह से रहेगी। सॉल्वेंट सीमेंट लगा के इसे, UPVC सॉल्वेंट सीमेंट है, इसे हम ठीक तरह से बैठा देंगे। देखिए हो गई, बैठ चुका है। थोड़ा सा इधर है, इसे भी घुमा लेते हैं थोड़ा सा, और ये वाला हिस्सा ये बाहर जाएगी, ये 5 इंच का वाल है इसलिए ये 6 इंची वाला एक टुकड़ा लिया है। एक बात ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 इंच वाल है उस वाल में ये आई प्लस वाल्व नहीं लगेगी, 3 इंच वाल में आई प्लस वाल्व नहीं लगेगी, क्योंकि आई प्लस वाल्व की जो व्हाइट वाला बॉडी का पार्ट है इस ये बॉडी लगभग 5 इंच है, लगभग 5 इंच है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उसे काटना पड़ेगा थोड़ा सा। और हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया हूँ कि जो आई प्लस वाल्व है उसका हाइट फ्लोर से मैं 4 फुट में रखता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बढ़िया सा लाइक दे देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ये प्लस वाल्व मेरा हो चुका है, PU जो पाइप है पाइप को ठीक तरह से अंदर लगा के प्लस वाल्व मेरा फिट हो चुका है। PU पाइप को ठीक तरह से अंदर के जो ब्लॉक वाला कवर है, प्रोटेक्टिव कवर, उसे भी हम लगा देंगे। और ये अच्छी तरह से ध्यान देने की बात है, जो प्रोटेक्टिव कवर में जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल दिया हुआ है सरफेस की, फाइनल टाइल्स सरफेस की, वो लेवल आप लोगों को ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि वो लेवल से कोई दिक्कत आए तो जो प्लेट है वो प्लेट नहीं लगेगी, इसलिए लेवल ठीक तरह से करके ही फ्लश वाल्व को लगाना चाहिए। जितना अंदर व्हाइट पट को लेना चाहिए उतना ही, कॉन्सील बॉडी को जितना अंदर जाना चाहिए उतना अंदर ही रखिए। और थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा बाहर निकल जाए तो टाइल्स मिस्त्री को ज़रूर बता देना चाहिए जे इतना लेवल तक टाइल्स उठाइए, इतना लेवल तक टाइल्स को उठाइए, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। हमारा ये आई प्लस वाल्व कॉम्प्लीट होने वाला है। ये प्रोटेक्टिव कवर लगाने के बाद आई प्लस वाल्व कॉम्प्लीट हो जाएगी।
कुछ दिक्कतें आ रही है पाइप, जो पीयू पाइप है पाइप ये प्रोटेक्टिव कवर में दिक्कत आ रहा है। तो देखिए हम इसे ठीक तरह से लगा दे रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो चुका है, हेलो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।